और भोपाल में मुख्यमंत्री ने सावन महीने में होने वाले त्योहारों की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि उज्जैन में महाकाल की सवारी के लिए बेहतर इंतजाम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए। सवारी में बैंड और डमरू दल शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांवड़ियों के ठहरने के लिए शेड बनवाए जाएं। ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर व्यवस्था की जाए। जो भी व्यवस्था की जाए श्रद्धालुओं को उनका स्थायी लाभ मिले। राहुल राठौर हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हैं। राहुल, सावन के महीने में तमाम इंतजाम करने के लिए सीएम ने निर्देश दिए और कांवड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के खास निर्देश दिए हैं। फिलहाल ये जो समीक्षा की जाएगी, जो बैठक की जाएगी, उसको लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि ये तमाम एक रूट तैयार किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी खुद धर्मनगरी से आते हैं और ऐसे में वो समझते हैं अच्छे से कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को क्या सुविधाएं दी जाना चाहिए, वो किन परेशानियों का सामना करते हैं। भगवान के दर्शन अगर वो उन्हें करना है सवारी के दौरान, तो जो बैरिकेडिंग होती है उससे उसके उधर खड़े होकर उनको दर्शन करने को मिलता है, तो ऐसे में वो एक एक बारीकी समझते हैं और उन्होंने इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि सावन का महीना बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से परेशानी नहीं आना चाहिए, चाहे वो महाकाल की नगरी हो या फिर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल हो या फिर मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर हो, क्योंकि ये जो शिवालय हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इस बार देखिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो बाबा महाकाल की सवारी है उज्जैन में निकलती है, उसको विश्व रिकॉर्ड में लाने के लिए प्रयास किए जाए, क्योंकि एक बड़ी भव्यता के साथ ये सवारी जो है निकलती है। इसमें इस बार जनजातीय दल जो है उनको शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने जिलों में जहां भी सवारी निकल रही है वहां पर पहुंचे, लोगों से मिले। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं आए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें लापरवाही नहीं बरती जाए। तो ये जो तमाम दिशा निर्देश है मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। देखिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हमेशा तैनात रहते हैं, डटे रहते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, उनका समय समय पर सम्मान भी करें, उनके साथ समन्वय रखें और उनको उनके साथ बातचीत करते हुए उनको अपने मतलब कर दे गए हैं ताकि बेहतर इंतजाम हो। शुक्रिया राहुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।